बेटा हमारा ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मतलब एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ईजी भी है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से मन लगा कर समझोगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए बेटा, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आवर न्यू चैप्टर इज़ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी की आंतरिक। आंतरिक का मतलब क्या होता है, इसका इंटरनल जो पार्ट है यानी कि जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है बेटा, वो आप सभी को पता है इसकी आकृति कैसी है, गोलाब आकृति है। गोलाब आकृति कैसी होती है, गोलाब आकृति होती है, जैसे एक संतरा होता है, ऑरेंज होता है ना बेटा। तो ऑरेंज, अगर आप सभी ने देखा है ऑरेंज, तो ऑरेंज की शेप कैसी होती है, ऊपर से और नीचे से, जो इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, मतलब इसके जो दोनों किनारे हो क्या चपटे होते हैं और जो इसका बीच का उभरा हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है। सेम इसी प्रकार से हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी है, उसकी भी सेम आकृति संतरे की जैसी होती है और ऐसी आकृति को गोलाब कहा जाता है। इसे गोलाकार नहीं कह सकते। अगर आप ये कहो, वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, और अगर आप कहते हो गोलाकार है तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। गोल तो क्या है बेटा, जैसे गेंद है, गेंद क्या है, गोल होती है। तो उसके ऊपर क्या है, कोई भी आपको किनारा वगैरह नहीं दिखाई देगा, कॉर्नर नहीं होता है कोई भी उसमें, बट वो क्या है, चारों तरफ से गोल होती है। बट जो हमारी अर्थ है वो ऐसी नहीं है, अर्थ ऐसी नहीं है। अर्थ क्या है, बीच में से उभरी हुई है और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो क्या है, चपटे हैं, दबे हुए हैं। इसलिए इसकी इस प्रकार की जो आकृति है वो संतरे की होती है और ऐसी आकृति को गोलाब कहा जाता है। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, अब देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है बेटा। अब पृथ्वी का देखिए, जो ये वाला एरिया है, ये तो हमें जो दिखाई दे रहा है, जो बाहर का एरिया तो हमें दिखाई दे रहा है। अब जो ये इसका इंटरनल जो एरिया होता है, जैसे हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब जो इसका ये वाला जो एरिया है, कट करने के बाद जो इसका हमको अंदर का हिस्सा है, जैसे कोई एप्पल होता है, सेब है बेटा, जब हम ऊपर से तो हमें सबको दिखाई दे रहा है रेड कलर का है, बट जब हम उसे कट करते हैं तो कट करने के बाद बेटा वो अंदर से कैसा दिखता है, वाइट कलर का निकलता है। तो सेम उसी प्रकार से जैसे हमारी अर्थ है, अगर इसके इसको कट कर दिया जाए या तो 2 पीस के अंदर इसे कट कर दिया जाए, तो कट करने के बाद इसका जो आधा हिस्सा है वो आधा हिस्सा तो इधर चला जाएगा और ये आधा हिस्सा इसका इधर आ जाएगा। तो इसका जो बीच का यानी कि इसके अंदर क्या मटीरियल है, अंदर क्या चीज़ है, वही क्या है, इसकी आंतरिक संरचना कहलाती है, और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये चैप्टर, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए बेटा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में सबसे पहले तो क्या है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई के अंदर जाते हैं, उसके केंद्र की तरफ जाते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और वहाँ पर क्या है बेटा, आज तक कोई भी साइंटिस्ट ना तो उसके आंतरिक भाग में पहुँच पाया है और ना ही आगे पहुँच सकता है, क्योंकि अगर उसकी सिर्फ इमेजिनेशन भी की जाए तो वो भी क्या है, बहुत ही खतरनाक हो जाती है इमेजिनेशन भी, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे टेम्परेचर क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जो इसका सेंटर है, जो इसका केंद्र है, वहाँ का तो टेम्परेचर इतनी तेज़ है, वहाँ पर लोहे जैसी चीज़ें भी क्या है, मतलब पिघलने लग जाती हैं। तो सोच कर देखिए बेटा, हम इंसान तो वहाँ पर जा ही नहीं सकते। तो बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है इसका, पृथ्वी का जो अंदर जो सेंटर है, क्रोड है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म है। तो इसके अंदर जो पृथ्वी के जो धरातल है यानी कि जो अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है, जो बाहर का एरिया है, उसके ऊपर क्या है, कई प्रकार की क्रियाएं होती है। तो उसमें बहिर्जात और अंतर्जात, ये 2 प्रकार की क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। तो बहिर्जात और अंतर्जात क्या है बेटा, बहिर्जात है जो हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे क्या है, बहिर्जात में आते हैं। अंतर्जात होती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन वो भी कंटिन्यू हो रही हैं। अंतर्जात में क्या क्या आते हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये क्या है, अंदर से होती है। जैसे कई बार क्या है, भूकंप आता है तो पृथ्वी एकदम कंपन होता है, पृथ्वी हिलने लग जाती है, हमें महसूस होता है कि हाँ भूकंप आया है। ज्वालामुखी आते हैं, तो ये सब कुछ किस वजह से आते हैं, ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, तो वो हम सारी चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं।
तो आगे देखिए बेटा, इसमें जो मानव जीवन है वो मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसीलिए भू दृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारक के विषय में जाना आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, सुनामी कैसे आती है, और इसके अलावा पृथ्वी जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सबने पढ़ा था कि जो भूपर पट्टी है और जो कोर है या क्रोड है, ये सभी पदार्थ क्या है, परतों के रूप में, मतलब अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं, अलग अलग परतें बनी हुई हैं। अब यह जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो परतें हैं इनके बारे में, इनके संबंध में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने बहुत ही मतलब रोचक जानकारी इनके बारे में प्राप्त प्रदान की है। इन परतों के बारे में अनुमान लगाया है कि किस प्रकार से इन परतों का निर्माण हुआ है। तो भूगर्भ की जानकारी के साधन, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, भूगर्भ की जानकारी के साधन। तो इसमें देखिए जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है, 6.370 किलोमीटर है पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यानी कि इसकी जो मोटाई है। और जो पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों कारण ये संभव नहीं है कोई पृथ्वी केंद्रक, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी आंतरिक संरचना यानी कि अंदर का जो भाग है बहुत ही गर्म है, और इसलिए कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुँच सकता, वहाँ तक जाकर उसका निरीक्षण या उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो क्या है, उससे कुछ दूरी जहाँ तक जाया जाता है वहाँ तक जाकर क्या है उसका, उसके कुछ नमूने प्राप्त किए गए हैं, उसी के आधार पर क्या वैज्ञानिकों ने हमें यह बताया कि पृथ्वी की संरचना आंतरिक संरचना कैसे है, उसकी गहराई कितनी है, वहाँ पर कौन कौन से कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिकों के क्या है अनुमान के ऊपर ये हमारे सामने प्रकट हो पाई हैं। अब देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अनुसार जो आंतरिक संरचना के दो प्रकार के स्रोत प्राप्त हुए हैं, तो एक तो होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता है जो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो प्रत्यक्ष में जैसे चट्टान है, चट्टान क्या हमें दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान जो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं, और इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई पे जाएंगे टेम्परेचर क्या है बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब वहाँ जाकर क्या है शरीर गलना शुरू हो जाता है, इतनी तेज़ आग होती है अंदर बहुत ज़्यादा। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति जानने के लिए परपट्टी में गहराई तक छानबीन, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो गहराई तक साइंटिस्ट जो है छानबीन कर रहे हैं कि हमें कुछ नए स्रोत इसके द्वारा प्राप्त हो जाएं। तो ये जो गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना है, ये इसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या समन्वित महासागरीय प्रबंधन परियोजना या इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी कहा गया है। और आज तक का जो सबसे गहरा प्रवेदन या ड्रिल जो किया गया है, होल जो किया गया है, वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में किया गया है। कितना गहरा था वो, 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया था, इससे ज़्यादा गहराई तक अंदर पृथ्वी के अंदर तक नहीं जाना हो पाया है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अब जो ये तो सारे थे कि प्रत्यक्ष स्रोत, अब आगे आता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं अप्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा, अप्रत्यक्ष जानकारी भी प्राप्त होती है, जैसे खनन क्रिया है यानी कि खोदना, इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी की गहराई, इससे ही पता लगा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तापमान और दबाव में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, और तापमान और दबाव के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता चला जाता है। तीनों ही चीज़ें क्या हैं, बहुत तेज़ी से इसमें परिवर्तन आता है। और पृथ्वी की मोटाई को ध्यान में रखते हुए यानी जो पृथ्वी की मोटाई है, जितनी मोटी पृथ्वी है उसके अकॉर्डिंग तापमान दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया गया, इनकी कल्पना की गई है। और इसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर किसका नाम आता है, उल्काओं का नाम भी आता है। उल्काएं क्या होती है बेटा, ये ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे जिन ठोस पदार्थों से हमारी पृथ्वी बनी है उन्हीं पदार्थों से क्या है उल्काएं बनती हैं, और ये कई बार क्या है उल्काएं हमारी धरती तक आ जाती हैं, तो उसके द्वारा भी क्या है अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पता चलता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या चीज़ें आती है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी सारी क्रियाएँ शामिल होती हैं, तो जिसके द्वारा क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अब देखिए बेटा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ध्रुवों पर तो अधिक होता है लेकिन भूमध्य रेखा पर कम होता है। जैसे देखिए बेटा, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है भूमध्य रेखा, ये क्या है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल,
और ये 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, ये सॉरी साउथ है, ये वाला ये साउथ है बेटा, इधर 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। तो अब जो ये वाला जो एरिया, ये क्या, ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों पोल्स, ये जो ये दो पोल्स आ गए हैं, देखिए जो ये दो पोल्स हैं, इन दोनों पोल्स के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत तेज होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ जब होती है तो उसको, हर चीज़ को पृथ्वी क्या अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो ये वाला एरिया है, जो ये भूमध्य रेखा वाला एरिया है, इस एरिया के ऊपर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, कम होता है। इस क्षेत्र के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो इसका भी क्या रीज़न है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुव पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेटा जिस जो क्या है अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर आती हैं। इसके अलावा और क्या क्या आती हैं, भूकंप भी क्या है अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है, जिसके द्वारा क्या है भूकंप के इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए बेटा, अब इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है भूकंप। अब देखिए, अब हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं, भूकंप है क्या, क्यों आता है, किस प्रकार से आता है। देखिए जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, जब भूकंप आता है तो बेटा भूकंप आते समय उसमें से तीन तरंगे जो होती है वो प्रवाहित होती हैं। तो तीन तरंगे कौन कौन सी हैं, आप पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे हैं, इसे धराधली तरंगे भी कहा गया, एल तरंगे हैं। तो इसके अंदर देखिए जो पी तरंगे होती है, जब पृथ्वी हिलती है तो ये एक प्राकृतिक नेचुरल घटना है। और तो उससे क्या है, जब ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलने के कारण क्या तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। तो पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, किस वजह से भूकंप आते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे इसके अंदर। तो देखिए, जब भूकंप आता है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है तो वो भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र या हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा अलग अलग दिशाओं से चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है और पृथ्वी पर भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के बिल्कुल पास होता है वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहलाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा इन दोनों तीनों पॉइंट्स को। और जो अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, ठीक है। अब देखिए भूकंपीय तरंगे, यानी कि देखिए जैसे ये हमारी अर्थ है और यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है। तो जो ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये यहाँ इसके ऊपर क्या है, ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे देखिए, हम भूकंपीय तरंगे, अब भूकंपीय तरंगे के बारे में अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो भूकंपीय जो तरंगे होती हैं वो स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को का जो एरिया होता है वो स्थल मंडल कहलाता है। और जो भूकंपीय भूकंपमापी यंत्र है जिसे सिस्मोग्राफी कहा जाता है, सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है या इसका माप निकालता है। तो देखिए जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पहली है भूगर्भिक तरंगे जिन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है, और दूसरी है धरातलीय तरंगे जिन्हें सरफेस वेव्स कहा जाता है। तो जो देखिए अब ये जो इनके नाम से ही पता चल रहा है, जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं वे पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आंतरिक भाग में जो होती है वो भूगर्भिक कहलाती हैं। और दूसरी क्या है धरातलीय, और जो पृथ्वी के धरातल पर जो तरंगे उत्पन्न होती है वो क्या है, वो कौन सी धरातलीय तरंगे कहलाती हैं, जो धरातल पर उत्पन्न होती हैं वो धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। तो भूगर्भिक और धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्यन क्रिया कारण कई तरंग नई तरंगे उत्पन्न होते हैं, इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगे जो होती है वो धरातल के साथ साथ चलती हैं। और पृथ्वी के पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन रिफ्लेक्शन और आवर्तन रिफ्रैक्शन दो क्रियाएं होती हैं, इनके द्वारा तरंगों की दिशा बदल जाती है। अब देखिए जो भूकंपीय तरंगे हैं वो भी बेटा दो प्रकार की होती है, पी तरंगे और एस तरंगे। फर्स्ट होती है पी तरंगे और सेकंड होती है एस तरंगे। पी तरंगे बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी मतलब प्राथमिक, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जो पी तरंगे होती हैं वो ध्वनि जैसी होती हैं, ये गैस तरल और ठोस तीनों अवस्थाओं में से गुजर सकती हैं, ये पी तरंगों की विशेषताएं हैं।
सेकेंड आती बेटा अस्थरंगी, जिन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, तो ये कुछ समय के अंतराल के बाद पहुँचती है, और इन्हें द्वितीय तरंगे कहा जाता है। और जो अस्थरंगे हैं वो केवल ठोस पदार्थों में से ही चल सकती हैं, ये लिक्विड में से और गैस में से नहीं जा सकती हैं। और इसके अलावा ये अस्थरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी विशेषता में वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना को समझने में हेल्प की है, मदद की है। तो ये थी बेटा भूकंपीय तरंगे, जिसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। अब देखिए जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका संचरण किस प्रकार से होता है, मतलब चलती किस प्रकार से हैं। तो भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली अलग अलग होती है। जैसे ही तरंगे संचरित होती हैं तो शैलो में यानी कि चट्टानों में क्या कंपन होने लगता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, मतलब जिधर तरंगे चल रही हैं उधर ही क्या है कंपन होगा, उसी दिशा के अंदर कंपन होगा। और जो एस तरंगों का कंपन होता है वो तरंगों की दिशा के समकोण पर तरंग उत्पन्न करता है, तो जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बना देती हैं। तो जो पी तरंगे हैं बेटा वो तो समानांतर चलती हैं, और जो एस तरंगे हैं वो क्या है समकोण पर कंपन उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं। ठीक है, ये था भूकंपित रंगों का संचरण। आगे आता है छाया क्षेत्र का उद्गम उद्भव। छाया क्षेत्र का उद्भव देखिए, भूकंप लेखी यंत्र जिसे सिस्मोग्राफी कहा जाता है, सिस्मोग्राफ दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंगे पी तरंगों पहुंचने को ही दर्ज करते हैं, मतलब वहां पे सिर्फ पी तरंगों को ही लिखते हैं, एस तरंगों के बारे में कोई अभिलेखित नहीं करते हैं। तो देखिए जो वैज्ञानिक है वो क्या मानते हैं, जो भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र यानी कि शेडो जोन होता है, यहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। अब आगे 105 से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 45 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी या बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है, और एस तरंगों का छाया क्षेत्र केवल नेक विस्तार नेक से बड़ा होता है, बल्कि ये पृथ्वी के 40% भाग से अधिक भी होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको डायग्राम के अंदर समझाया गया है कि डायग्राम में बताया गया कि जो देखिए एस तरंगों का ये विकिरण पक्ष है, ये पी तरंगे उपछाया क्षेत्र है, ये भी उपछाया क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब पी तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं, ये पी तरंगे छाया क्षेत्र है यहाँ से एंटर कर रही हैं, और यहाँ से पी तरंगे प्राप्त की जाती हैं। ये 145, ये 105, ये 105। ठीक है बेटा, ये इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है। अब देखिए जो भूकंप होता है वो जिन क्षेत्र के अंदर तरंगे नहीं पहुंच पाती उसे क्या है भूकंपीय छाया क्षेत्र या शेडो जोन कहा जाता है, ये मैंने आपको भी बताया ही था। ठीक है, आगे अब देखिए, अब जो भूकंपीय तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार हैं इसके भूकंप के प्रकार, अब नेक्स्ट रेडिंग है भूकंप के प्रकार। तो इसमें देखिए फर्स्ट आता है सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं, ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य या वोल्केनिक भूकंप समझा जाता है। जब ज्वालामुखी आता है तो उससे भी क्या है भूकंप, जो भूकंपीय तरंगे क्या है वो प्रवाहित होती हैं। खनन क्षेत्रों में यानी कि जब कई बार क्या है कई कुछ क्षेत्रों के अंदर क्या है जमीन को खोदा जाता है, तो उससे क्या है बहुत अधिक खनन कार्य करने के कारण भी क्या है जो भूमिगत खान है उनकी छतें ढह जाती हैं, और इससे कुछ हल्के झटके महसूस होते हैं, इससे भी क्या है इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। ठीक है, ये होते हैं नियात भूकंप। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट बेटा कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी, यानी कि देखिए जब हमारी अर्थ के ऊपर मनुष्यों के द्वारा जब कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो जब परमाणु का विस्फोट होता है रसायन का विस्फोट होता है, इससे भी क्या भूमि में कंपन होती है, और इस तरह के झटकों को विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो विस्फोटक भूकंप, इन्हें विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, यानी कि जहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप क्षेत्र कहा जाता है, रिजर्वियर इंड्यूस्ड या भूकंप क्षेत्र इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार से ये भूकंप के प्रकार थे, कितने प्रकार के भूकंप आते हैं, मतलब किस वजह से आते हैं। तो आगे देखिए भूकंपों का माप, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता, और इससे किस पे मापा जाता है रिक्टर स्केल के ऊपर इसे मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता
भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने संबंधित है। इस मापनी के अनुसार जो भूकंप, इसको पर बेटा 0 से लेकर 10 तक के पॉइंट्स दर्शाए हुए होते हैं। इसकी इंटेंसिटी स्केल इसे कहा जाता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर यहाँ कहाँ तक, ये 10 तक आता है। बीच में 1, 2, 3, 4 होते हैं, ठीक है। और इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकेली, एक इटली के भूकंप वैज्ञानिक थे मरकेली, इन्होंने भी क्या है भूकंप के का मापक जो होता है उसके बारे में बताया था। और जो मरकेली है इसकी जो इसके ऊपर जो वर्ड्स होते हैं वो 1 से 12 तक इसके ऊपर अंकित होते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए भूकंप के प्रभाव, अब देखिए भूकंप के प्रभाव यानी जब भूकंप आता है तो इसका क्या इफेक्ट आता है। तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लाई जाती, ये अपना भी नेचुरल होता है। और इससे क्या क्या नुकसान होता है, भूमि हिल जाती है, भूमि का हिलना, ठीक है बेटा। सेकेंड है धरातलीय विसंगति, धरातल क्या है, जो धरती है उसको पर क्या है वो कहीं से ऊँचे हो जाती कहीं से नीचे धस जाता है। भूस्खलन जो इसे क्या चट्टाने सरक जाती हैं, मृदा द्रवण मिट्टी का क्या है, मिट्टी जहाँ से जो एरिया दब जाता है वहाँ से मिट्टी का द्रवण हो जाता है, मतलब वो फैल जाती है वहाँ पर सारी। धरातल का एक तरफ झुकना जो जिस तरफ क्या है गड्ढा बन जाता है तो उस तरफ से क्या है जो धरातल है वो एक तरफ से एक तरफ झुक जाती है। हिमस्खलन मतलब बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उनका उनका भी स्खलन हो जाता है, मतलब वो अपने जगह से विस्थापित हो जाते हैं। धरातलीय विस्थापन जो धरती है उसका विस्थापन होता है, मतलब धरती टूट जाती है। बांध और तटबंध का टूटना, बांध और तटबंध भी टूट जाते हैं। आग लगना, इसकी वजह से आग भी लग जाती है। इमारत टूट जाती है, ढांचे जो है ध्वस्त हो जाते हैं, वस्तुएं गिर जाती हैं। और सुनामी, इसकी वजह से क्या है समुद्रों में सुनामी भी आ जाती है। तो ये सारे क्या है ड्रॉबैक्स हैं किसके, भूकंप के। ये देखिए बेटा ये आपको दिखाया गया है, ये सारे पिक्चर्स के अंदर दिखाए गए, सब कुछ क्या है भूकंप की वजह से हो रहा है। थोड़ा सा जो भूकंप आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आगे देखिए उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभाव में 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जाए, अन्य को उस क्षेत्र में जाने वाले जन और धन की हानि समझा। सुनामी का जो प्रभाव है तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अध्यय स्थल पर होगा, भूकंप की तीव्रता बहुत तेज होगी, मतलब जब भूकंप बहुत तेज आएगा तभी सुनामी आएगी, अदरवाइज छोटे मोटे भूकंप में सुनामी नहीं आती है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है बल्कि वास्तव में बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जो भूकंप की क्रिया होती है वो कुछ सेकंड के लिए ही होती है, लेकिन यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी या घातक हो सकते हैं। आगे बेटा भूकंप की आवृत्ति, भूकंप की आवृत्ति में देखिए भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन और धन की बहुत अधिक हानि होती है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से भूकंप आते हैं और लगातार आते रहते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं बहुत तेज़ी से झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का, मतलब ज्वालामुखी और भूकंप उसके बारे में विस्तार से डीपली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो रिक्टर स्केल है उस पर 8 से अधिक जो तीव्रता वाले भूकंप होते हैं उनकी संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 या 2 वर्ष में एक बार ही आती है। और लेकिन जो हल्के फुल्के जो झटके होते हैं वो तो पूरे साल हम महसूस करते रहते हैं। तो बेटा ये आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको भूकंप तक के बारे में बताया है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू बेटा।